इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन की सेटिंग्स को हम कैसे ला सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर कंटिन्यू डिस्प्ले नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस कैटेगरी को हम सेट कर सके। इसमें ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद हमारी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सेट अ साइलेंट होता है, जिससे कि हमें नोटिफिकेशन के टोन ही नहीं आएगी। एंड यहाँ पर जो कंटिन्यू चल रहा है, उस कंटिन्यू से ही हम इसको लगाना चाहें वो भी लग सकता है। ठीक है, ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है हमारे स्वाइप टू डिलीट से। अगर ये स्वाइप टू डिलीट राइट पर लगा हुआ होगा तो लेफ्ट से आएगा, राइट से लगा होगा तो राइट से आएगा, लेफ्ट से लगा हुआ होगा तो लेफ्ट से आएगा। जैसे कि मैं राइट से लगाता हूँ एंड यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम किसी भी नोटिफिकेशन को खोलते हैं एंड इधर से हम जाते हैं। पहले इधर से था लेकिन अब इधर से हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है, एक तो होता है यहाँ पर ये क्लॉक का साइकन एंड उसके बाद होता है यहाँ पर एक ये वाला साइकन। ठीक है, इस पर आपको जाना है। अब मैं इस वाले पर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं दो लाइन पर तो हमें इस तरीके से आता है। अब यहाँ से हम ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अंडू करने का ऑप्शन इसका आता है लेकिन काट देंगे तो फिर अंडू करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है इसका पूरा का पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।